ठीक है डॉक्टर उमर अहिल, आप क्या बता रही थी कि आजकल क्या महंगी महंगी टेक्निक्स आई हुई? अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे पिगमेंटेशन बड़ा इशू है, झाइयों का, झाइयाँ जिसे कहते हैं, और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन आज जो बनाऊंगी मैं थोड़ा सा निकाल के लाई हूँ, मैं पूरा जार नहीं लाई हूँ। ये जार मिलता है 50,000 का। ये कितना बड़ा जार? ये तकरीबन 50 ग्राम्स का होता है। 50 ग्राम्स का कार्बन पील कहलाती है, कोयले से बनी हुई होती है, इसको हम घर में बनाएंगे। आंटी इधर आ जाए। अच्छा, ये कार्बन पील कहलाती है और ये 50,000 का जार होता है 50 ग्राम्स का। अच्छा, और इसके खास बात ये, जब हम इसको लगाना शुरू करते हैं, जैसे आज मैं इनके चेहरे पे लगाऊंगी, आप से 10 दिन के बाद देखिएगा 99% स्किन क्लियर होगी इनकी। लेकिन ये तो 50,000 का कौन खरीदेगा? हम बनाएंगे ना। बाट के और मसला ये है कि 50,000 का जार जो वो एक बंदे के लिए नहीं है, ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके साथ। हम एक मास्क भी बताएंगे, अच्छा, जो कि सूदिंग मास्क होगा, इसलिए कि स्किन बिल्कुल ऐसे उतारता है जैसे आपकी स्किन पील हो रही है। इसको हम घर में बनाएंगे। अच्छा। और ये जो 50,000 का जो जार है, जो क्रीम है, ये हमारी बनेगी हार्डली जो है 100 रुपीज। थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि ये 50,000 वाली क्रीम है जो आप थोड़ी सी निकाल के लाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो जार टूट ना जाए, गिर ना जाए, बिल्कुल, ठीक है। और ये आपने क्या कहा, ये क्या चीज़ है? ये सूदिंग मास्क है। ये सूदिंग मास्क है, ये भी जो है ना कार्बन के साथ बना है, बैम्बू कार्बन के साथ बना है। अच्छा, तो आप ये मास्क पहले हम क्रीम लगाएंगे, इनका क्रीम लगा के 15 मिनट के बाद क्रीम साफ करेंगे, सही है। और उसके बाद इसलिए कि स्किन बहुत तेजी के साथ उतरना शुरू हो जाती है, जैसे बिल्कुल पील हो जाएगी, बिल्कुल उतरना, और छाइयां निकलना शुरू, बिल्कुल। मैंने कहा ना, सिर्फ 10 डेज के अंदर 99% स्किन क्लियर हो जाती है। ओके, और उसके बाद हम सिर्फ ये लगाएंगे, देखिए सूदिंग, और ये भी आप घर में बना सकते हैं। ये 3,000 का है, ये खाली एक मास्क जो है 3,000 का, सिर्फ ये एक पीस 3,000 का है, और ये क्रीम 50,000, बिल्कुल, जो कि आप हमें यहाँ बनाना सिखा रहे हैं। दोनों चीजें 100 रुपीज के अंदर, ठीक है, 100 रुपीज के अंदर। और अच्छा, अभी आप ये लगा के दिखाना चाह रही हैं? बिल्कुल, पहले मैं बनाना बता देती हूँ और इसका जो है ना हम लगा के आपको दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, इसमें बड़ा आसान सा तरीका है इसका, कि सबसे पहले हमने ग्लिसरीन ली है, तकरीबन बहुत ही फ्रेशनेस के लिए, और ये है छाइयों के लिए, ठीक है। इसमें हम डालेंगे विटामिन सी पाउडर। पहले आपने क्या लिया? ग्लिसरीन आपने ये लिया, ठीक है, ग्लिसरीन, विटामिन सी पाउडर। विटामिन सी पाउडर कितना लिया? हाफ टी स्पून। मुझे प्राइस बताती चलेंगे, ग्लिसरीन हमें इतनी कितने की पड़ जाएगी? जितनी हमने डाली है इतनी, बामुश्किल 5 रुपए। हाँ, ग्लिसरीन तो बहुत सस्ती मिलती है। अच्छा, 5 रुपए की ग्लिसरीन हो गई। विटामिन सी पाउडर जो हमने डाला है हाफ टी स्पून, वो भी बामुश्किल 10 रुपए का होगा। ये कहाँ से मिलेंगे हमें? जी, मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी, बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। हम हाँ बिल्कुल मीठी गोलियां, विटामिन सी वाली। अच्छा, इसके बाद हमने डाली है विटामिन ए क्रीम। विटामिन ए मिल जाता है, लेकिन क्रीम बहुत आराम से मिलती है, शायद 20 रुपए की, 25 रुपए की है इसकी, जो विटामिन ए की रहती है ना। ओके, तीन चीजें इसमें डाली है, विटामिन ए क्रीम, विटामिन सी पाउडर और ग्लिसरीन, और चौथी चौथी क्या डाल रही है? डिस्प्रीन। ये गोली तो 10 रुपए का पत्ता होता है, एक डालेंगे हम, बस एक डालेंगे पत्ता, तो चलो एक खरीद लेंगे। हाँ, 10 रुपए का। और चलो, मैंने 10 रुपए लगा लिया इस गोली का, 5-5 ये 20 रुपए, ये और ग्लिसरीन 85 रुपीज की बने पूरा। और ये डालेंगे हाफ टी स्पून हम, ये क्या है? चारकोल पाउडर। ये वही चीज है जो आपने बताई, वही है, ये बना बनाया भी मिल जाता है घर में भी, पाई की तरह गला के आप, बिल्कुल, बतूल ने बताया कि आपने अच्छी तरह उसको पका लिया और रख दिया, जब वो चारकोल एक्टिवेट हो जाता है तो देन उसको पाउडर बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये तैयार है, उसके बाद नॉर्मल के कपड़े से छान ले। हाँ, बिल्कुल, इस तरह का है, और तैयार भी मिल जाता है, बहुत सस्ता मिलता है। ये आपकी क्रीम बन गई है, और इसको आपने लगाना है, और लगा के आप ये जो क्रीम है इसको आप पूरी रात लगाएंगे। अच्छा, पूरी रात लगा के सो पूरी रात लगाएंगे, और तीसरे दिन से स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसमें एक अच्छा दूसरा, ये तीन रातों के बाद से स्किन, यानी कि तीन रातें ऐसे ही करना है? तीन रातें इसको लगाएंगे आप, तीन रातें, हाँ, तीसरी रात के बाद से क्रीम स्किन उतरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हर हफ्ते आपने 3 दिन करना, सिर्फ दो दफा, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर स्किन क्लियर हो जाती है। ओ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ये वो काम करता है जो ये क्रीम काम कर रही है, बिल्कुल। सिर्फ फर्क ये कि क्रीम जैसे ही लगाएंगे उसी दिन करना शुरू कर देगी, उसी दिन करना शुरू कर देगी, ये कोई 3 दिन के बाद करेगा। तो आपने कौन सा भागे जाना है, मतलब यहीं रहना है, पैसे 50,000 कौन खरीदेगा? और ये कि पाकिस्तान में मिलती नहीं है, इसको जाके खुद ही लाना पड़ता है, बाहर शिप होती ही नहीं है पाकिस्तान, तो इसलिए। अच्छा, इसकी कीमत इसीलिए ज्यादा है। ये जो मास्क है ये मैं बता दूँ, ये बहुत ही आसान है बनाना, और इसकी कीमत मैंने आपको बताया, कंपनी वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे, 3,000 रुपये हम कंपनी दिखाएंगे, छुपा लें आपका। ये जो मिल जाता है आपको, इस तरह से मास्क तैयार मिल जाता है। अच्छा, जो कपड़े के मास्क होते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या, ये बड़ा इसका जबरदस्त, इसका वाइटनिंग और स्किन टाइटनिंग और पिगमेंटेशन, हाँ, के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपने सिर्फ ग्लिसरीन लेनी है, हाँ, उसके अंदर आपने चारकोल मिलाना है,
और इसके अंदर जो है आप जरा सा जो है लेवेंडर ऑयल मिलाएंगे। अच्छा, तीन चीजें मिला के आपने वो कपड़ा उसमें डिप कर दिया। कपड़ा कौन सा वाला हो? ये जो मास्क की शीट मिलती है ऐसी, ऐसी कहाँ से मिलेगी? ये कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाती है, मास्क की शीट कहलाती, पूरी तैयार होती है इस तरह कपड़े की। और कितने की मिलती है ये? पूरा जो आपको तकरीबन 6 का जो पैकेट होता है, कितने का? मेरे ख्याल में 200 का, 200 रुपए का मास्क का। और उसको डिबोएंगे? मतलब उसको डिबोएंगे हम। अच्छा, मेडिकल स्टोर पे मास्क की शीट मिल जाती है, 6 मास्क होते हैं बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं उसमें लगा, कुछ भी नहीं है। अब वो लेकर वो कपड़े की तरह पूरा कटा हुआ होगा, वरना आप काटेंगे टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा। अजीब सही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही बना होगा। आपने ये ग्लिसरीन ली है? ग्लिसरीन, और इसमें आपने चारकोल पाउडर मिक्स कर लिया, ठीक है। और इसमें जो है जरा सा कतरा जो है आपने डाल दिया लेवेंडर ऑयल का। ओके, और ये आपका इसमें डिप कर लिया। आपने डिप किया, कितनी देर तक डिप रखा? बस ये पूरा पी जाए अच्छी तरह से। अच्छा, उसके बाद अपने फेस के ऊपर लगा लिया। और कितनी देर तक लगाएं, कब लगाएं? ये आप लगाएंगे जैसे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं पीलिंग का, आपकी स्किन उतर रही है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, आप ये उसके बाद सुबह के बाद ये मास्क लगा लें 15 मिनट के लिए। अच्छा, तो वो आपका स्किन बिना, आपने 6 जो आपके पास है वो आप 3 दिन है तो 3 आराम से इस्तेमाल रोज, 3 आराम से, वो 15 दिन का पूरा जो ट्रीटमेंट है। और उससे आपके रंग गोरा होगा, आपकी छाइयां खत्म होंगी? छाइयां तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। हां, मतलब मैं कह रही हूं ना, ये तो गारंटी है कि छाइयां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, लेकिन लग के आपने 10 डेज करना है। ओके,